गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द पोएट्री ऑफ चैप्टर नंबर 2 विच इज द रिबेल. रिबेल मतलब विरोध, जो सब करते हैं उसके अगेंस्ट जो काम करता है. ओके, वेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर, जब सबके शॉर्ट हेयर थे तो रिबेल ने क्या करा, अपने हेयर्स बढ़ा लिए. जब सबके लॉन्ग हेयर हुए तो उसने शॉर्ट कर लिए. वेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल डज नॉट से अ वर्ड, जब सब लोग क्लास में बात करते हैं तो रिबेल कुछ नहीं बोलता. जब सब चुप रहते हैं तो रिबेल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. व्हेन एवरीबॉडी वियर यूनिफॉर्म, तो फिर रिबेल क्या करता है, फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनता है, फैंसी क्लोथ्स पहनता है. और जब सब फैंसी क्लोथ्स पहनते हैं तो वो एक सोबर क्लोथ पहनने लग जाता है. जब इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर द रिबेल एक्सप्रेस एन प्रेफरेंस फॉर कैट, जब सबको डॉग लवर पसंद होता है तो फिर वो क्या करता है, कैट को पसंद करता है. फिर कैट लवर की जगह होते हैं सब लोग तो फिर वो डॉग पर आ जाता है. व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन तो रिबेल बोलता है नो द नीड फॉर द रेन, उसको चाहिए कि रेन होनी चाहिए. और जब सब लोग रेन आने पे खुश होते हैं तो वो बोलता है नहीं, सन होना चाहिए. व्हेन एवरीबॉडी गोज टू मीटिंग टू द मीटिंग द रिबेल स्टे एट होम एंड रीड द बुक, जब सब लोग मीटिंग के लिए जाते हैं तो रिबेल घर पर रुक कर बुक पढ़ता है. वेन एवरीबडी स्टेज एट होम द रिबेल गोज टू द मीटिंग, फिर जब सब लोग घर पर रुकते हैं तो रिबेल क्या करता है, घर पर सब मीटिंग के लिए जाता है. वेन एवरीबडी सेज येस प्लीज, रिबेल बोलता है नो थैंक यू. जब सब बोलते हैं नो थैंक यू तो रिबेल क्या बोलता है, येस प्लीज. इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी द वन, अच्छी बात है हमारे पास रिबेल है, अगर तुम हो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा वो. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. आपको नोटबुक बनानी है, क्वेश्चन आंसर आप उसमें कर देना. ओके स्टूडेंट्स, उसके आपको मार्क्स दिए जाएंगे. अगेन एंड अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ ये, इसका मतलब आपको सीरियसली नोटबुक्स बनानी है. ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.